बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक साउंड। तो अज़ीज़ बच्चों, कल के वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और साउंड को हम कैसे सुनते हैं। तो आज बात को आगे रखते हुए आज हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड्स ऑफ ए साउंड। यानी साउंड की जो साउंड वेव्स होती हैं उसकी ये चार जो चीज़ें, यानी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड्स को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले हम वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ को हम डिफाइन करेंगे। यानी वेवलेंथ जो है, इसकी डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी इस वेवलेंथ की डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज़ डिनोटेड बाई ए ग्रीक लेटर लेमडा। ऐसा यूनिट ऑफ वेव लेंथ इज मीटर। तो ये हमारे पास डिफिनेशन है वेव लेंथ की। ये डायग्राम जो है, यानी ये वेव्स हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक साउंड कैसे प्रोपागेट होता है, मूव करता है। यानी ये हमारे पास किसकी शक्ल में है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। तो इस ट्रफ से, इस क्रस्ट से यहाँ तक जो जो वेव्स, जो जो डिस्टेंस है, इसी को वेव्स लेंथ कहते हैं। और इस लाइन से ऊपर यहाँ तक ये जो ये डिस्टेंस है, इसको एम्पलीट्यूड्स कहते हैं। और दूसरी बात जो है हमारे पास है वो है फ्रीक्वेंसीज। इन एनी मीडियम्स व्हेन वेव्स प्रोपोगेट्स द नंबर्स ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज़ डिनोटेड बाय वी। एसआई यूनिट ऑफ frequencies hertz. It is determined by the numbers of compressions or refractions passing through a fixed point. Frequency in any mediums when waves propagates the numbers of vibrations made by particles of the mediums is called frequency. The frequency ko हम डिनोट करते हैं वी से। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट जो है वो हर्ट्ज है, जिसका सिंबल एच जेड है। नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशंस ड्यूरिंग द प्रोपगेशंस ऑफ वेव्स इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज़ डिनोटेड बाय टी। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड। टाइम पीरियड की डेफिनेशन है, इट इज़ द टाइम टेकन्स बाय ए पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन वाइब्रेशंस ड्यूरिंग द प्रोपगेशंस ऑफ वेव। इट इज़ डिनोटेड बाय टी। एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड। नेक्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड्स। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल of the mediums on either side of the means positions is called amplitudes of wave.
Amplitudes, the maximum displacement of a particle of the mediums on either side of the main positions is called amplitudes of waves. It is denoted by letter A. It is denoted by letter A. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमारे पास फर्स्ट पॉइंट थे वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसीज, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड्स. तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.